भारतीय जनता पार्टी के बारे में दुष्प्रचार किया जा रहा है कि वह जातीय जनगणना के विरोध में है। मैं आपको याद कराना चाहूंगा कि बिहार विधानसभा और विधान परिषद से दो दो बार सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ और इन दोनों सर्वसम्मत प्रस्ताव में भारतीय जनता पार्टी शामिल थी। अगर हम इसके विरोध में होते तो हम सर्वसम्मत प्रस्ताव में शामिल क्यों होते? उसी प्रकार झारखंड विधानसभा ने भी सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया जिसमें भारतीय जनता पार्टी शामिल थी। और जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से ऑल पार्टी डेलीगेशन मिलने के लिए गया तो हमने अपनी सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री श्री जनक राम जी को उसमें शामिल किया। उस डेलीगेशन की मांग थी कि बिहार के अंदर जातीय जनगणना कराई जाए। तो जब अगर हम उस जनगणना के विरोध में होते तो हम उस डेलीगेशन में क्यों शामिल होते? यहां तक कि झारखंड सरकार की ओर से भी एक डेलीगेशन गया था जिसमें बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री दीपक प्रकाश भी शामिल थे। और इन दोनों डेलीगेशन की मांग थी कि केंद्र की सरकार जातीय जनगणना कराए। लेकिन मित्रों, जब केंद्र की सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि केंद्र के लिए जातीय जनगणना कराना संभव नहीं है तो राज्य सरकार स्वतंत्र है, तो हम कभी भी जातीय जनगणना के विरोध में नहीं रहे। यहां तक कि 2010 में लोकसभा में जब सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना को लेकर जब बहस हुई तो श्री गोपीनाथ मुंडे और श्री हुकुमदेव प्रसाद यादव इन दोनों लोगों ने सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के समर्थन में बयान दिया था। बीजेपी ने कभी विरोध नहीं किया था। यहां तक कि कर्नाटक और तेलंगाना में जब जातीय जनगणना हुई तो बीजेपी ने इसका विरोध नहीं किया। तेलंगाना में समग्र कुटुंब सर्वे हुआ और तेलंगाना में भी 2015 के अंदर कांग्रेस सरकार के दौरान गणना हुई थी। इसलिए ये बेबुनियाद और भ्रामक है कि भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना के विरोध में है। ये बात अलग है कि केंद्र सरकार के लिए संभव नहीं है कराना, परंतु कोई राज्य सरकार अगर कराना चाहे तो स्वतंत्र है। इसलिए ये बेबुनियाद और भ्रामक है कि भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना के विरोध में है।